समय ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड अर्थ संदृष्टि लेक्चर नंबर 23
नीचे तो चार समय तक ही है और ऊपर सात समय तक, छह समय तक, पांच, चार, तीन, दो समय तक, सर्वोत्कृष्ट स्थान दो ही समय तक रह सकता है, वो लगातार आठ समय तक नहीं रह सकता। ये तो कार योग मध्य रचना हुई। अब अभी हम जो देख रहे हैं वो जीव योग मध्य रचना हुई। तो ये जो जघन्य स्थान वाले जीव कितने हैं, उत्कृष्ट स्थान वाले जीव कितने हैं, तो उसमें भी यहाँ जीवों की संख्या लगाई। पहले तो हमने कालों की बात की, तो यहाँ भी बीच वाले ऐसे जो कोई स्थान है जिसको हम योग मध्य करेंगे, यानी यहाँ जीवों की संख्या मैक्सिमम है, इस विशिष्ट स्थान पर जीवों की संख्या मैक्सिमम है। अब यहाँ ऊपर की गुणान यानी इसके ऊपर ये स्थान है वो जीवों की संख्या कुछ कम, फिर कुछ कम, फिर कुछ कम, इससे वो घटते चले, जीवों की संख्या घटते, तो यहाँ आगे हो गई एक गुणान, दो गुणान, तीन गुणान, ऊपर की जो नाना गुणान वैसे नीचे भी नाना गुणान है, परंतु नीचे की नाना गुणान कम है ऊपर की ज़्यादा। इसलिए यहाँ पल्य को तीन बार असंख्य से भाग दिया और यहाँ पल्य को दो बार असंख्य से भाग दिया, ये सब हमने विस्तार से देखा है। एक और छोटा सा प्रश्न है, यह सब द्रव्य को निकालने के लिए मंदिर निकालने में तीन गुणानी से डिवाइड किया था और जनरली हम जो करते हैं स्थिति में वहाँ तो डेढ़ गुणानी से डिवाइड करते हैं। आपका प्रश्न है कि कर्म की स्थिति है या अन्य कहीं पर भी रचना होती है, तो यहाँ चय घटते क्रम से जहाँ रचना होती है तो टोटल द्रव्य को डेढ़ गुणानी से भाग देंगे तो इसका प्रमाण आता है। अभी हमारे एक ही टेपरिंग भी है दोनों ओर है, इसलिए वो तीन गुणानि से, इसीलिए तीन गुणानि से, इसकी भी चर्चा अपनी हुई थी कि तीन गुणानि से भाग क्यों दिया, कल यही बात। अब आगे बढ़ेंगे, अब विशेषार्थ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखो एक कम बीस ल, यानी ल का जो गुणकार है बीस उसके ऊपर वन माइनस की साइन है, इसको हमको फिर सॉल्व करके पहले जैसा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हाँ नरेंद्र, बीस लॉ माइनस एक लॉ, बरत बीस लॉ माइनस एक लॉ, तो ल ल कॉमन है तो ल तो ऐसे ही रखा, और उसका जो गुणकार है उसमें बीस में से एक घटेगा, एक कम कर, तो एक कम बीस ल लिखा होगा तो उसका अर्थ है बीस ल माइनस एक ल। इसमें बीस ल धनराशि और एक ल ऋण राशि को अलग अलग लिखेंगे, यानी ये जो संदृष्टि में जो लिखा था एक माइनस की साइन की थी उसको अलग अलग लिखना है, तो उसके नीचे जो साइन ये संख्या है बीस के ऊपर वन माइनस की साइन है ना, तो पहले बीस लिखना उसके आगे वाला गुणकार ल लिखो, और माइनस क्या करना, अभी वो एक माइनस की साइन क्या है, यानी वो किसके लिए वन माइनस है, तो ल के लिए, जिसके ऊपर वन माइनस की साइन की है उसमें से एक नहीं घटाना, उसका जो गुणकार है उसमें उसको रखना है, यानी बीस को बीस ही रखना है, बीस के साथ ल लगाना और आगे एक ल लिखना, यानी हम उन्नीस नहीं लिखना, माइनस एक ल, माइनस एक ल। तो ये हमने धन राशि और ऋण राशि अलग, पहले जब दो राशि होती है तो उनको उसको संदृष्टि में उसको मिला कर लिखते हैं, अभी हमको अलग अलग लिख रहे हैं या धनराशि ऋण राशि। उसी प्रकार अब देखो ऊपर का जो सर्वद्रव्य है उसमें एक कम पल्य के दो बार असंख्यात गुणक है, तो उसके ऊपर वन माइनस की साइन है, तो उसको कैसे कहेंगे, बाकी गुण्य वैसा ही रखना और आगे पल्य को दो बार संख्या से भाग दे, ये एक धन राशि हो जाएगी, और गुण्य गुणा एक यानी उसको छोड़कर जो अन्य जो चीज थी तो उसको एक बार लिख दे ऋण राशि, ऐसी दो राशि करेंगे। अब यहाँ ऊपर की धनराशि और नीचे की धनराशि अलग अलग, तो ये जो धनराशि बताई है यहाँ पर यानी देखो ऊपर का सर्वद्रव्य लिखा था उसमें से धनराशि अलग लिखना और ऋण राशि अलग, तो धनराशि लिखेंगे और ऋण राशि अलग करके नीचे
पहले तो ये समझने के लिए इसी पृष्ठ पर सबसे ऊपर की जो फिगर है उसको देखना। ये बस हम बोर्ड पर देखेंगे, उसी फिगर को हम बोर्ड पर देखेंगे तो ये क्या कहना चाहते वो बात करने आ जाएगा। अभी हमने जैसे 20 लॉ में 20 के ऊपर माइनस की साइन थी तो उसका जो गुण्य है उसको एक बार लिख दिया था हमने, वैसे यहाँ भी कर लेते ये ऊपर का सर्वद्रव्य देख लो। ऊपर का सर्वद्रव्य है यव मध्य के ऊपर का सभी द्रव्य, जितनी नाना गुणानियाँ हैं उन सब का मिला हुआ टोटल। सर्वद्रव्य में यहाँ किसका प्रमाण निकाल रहे हैं? जीवों का मध्य के ऊपर जीवों का प्रमाण, जहाँ मैक्सिमम जीव है उस स्थान से लेकर ऊपर के सभी स्थानों में जीवों की संख्या कितनी है उसको ऊपर का सर्वद्रव्य कहते हैं। तो उसका हमने प्रमाण निकाला था जगत प्रचर डिवाइडेड बाय प्रकरण गुणी डिवाइडेड बाय संख्या, उसके आगे तीन गुणहानि से भाग दिया था, उसके बाद वो तो हमने पहले सॉल्व करके आए ना, इसलिए वो दो गुणहानि के बदले वहाँ केवल अभी दो रह गया है। तो पहले वाला गणित फिर नहीं, हम डायरेक्ट अभी लास्ट फिगर देख रहे हैं ये कैसे निकला है उसकी चर्चा हमने बहुत बार की। तो उसके आगे पल्ले को दो बार संख्या से भाग दिया, क्योंकि पूरा द्रव्य निकालना था तो हमने अंतिम गुणहानि तक गए थे, फिर उसको जो पहली वाली है उसको दो गुणा किया था, वो सब इसमें लिया। अब इसमें एक पल्ले इसके गुणकार में पल्ले आएगा और उसके ऊपर वन माइनस की साइन दो बार ऐसा ही। अब इसको हम दो संख्या में डिवाइड करें धन और ऋण, तो इसमें धन राशि कैसे कहेंगे जबकि साहब धन राशि और ऋण राशि दो राशि बन गई। तो इसको पूरे को तो हम गुण्य मान लेंगे जो जगत प्रतर डिवाइड बाय 4/5 गुण के ये पूरा गुण्य है, गुण्य मान लेंगे। अब इसको हम गुण्य कहेंगे तो गुण्य, और इसको पल्ले से दो बार आगे पल्ले डिवाइडेड बाय दो बार संख्या ये हुई धन राशि, इसी को हम दो राशियों में लिख रहे। अब इसमें से गुण राशि जो है माइनस गुण, ये पूरा ही गुण्य है, उसके ऊपर की जो संख्या थी उसके ऊपर वन माइनस हुआ, तो ये वन माइनस का अर्थ क्या है पूरा गुण्य उसमें से माइनस का संख्या, इसीलिए उसको हमने वन माइनस किया है ना। तो ये गुण्य इनटू पल्ल का, अभी इसको सॉल्व करें ये गुण्य के बदले हम इसकी यहाँ फिगर लिखते हैं, ये पूरा ही लिखना है जगत प्रकार वो सब यानी गुणहानि तीन दो गुणहानि तीन के बाद माइनस चाहिए पल्ले को दो बार संख्या। अब ये और ये कॉमन है तो ये निकल वहाँ तो केवल गुण्य रहेगा, गुण्य ने इस पर छोड़कर नहीं नीचे की बात है। तो ये धनराशि हुई, देखो अभी जो हम पुस्तक में देख रहे हैं नीचे का टेबल देख रहे हैं यही बात वहाँ लिखी है, यहाँ ये ऊपर निकला रही है था अपना क्योंकि वो हमने पूरे की बात की थी गुणहानि तीन प्लस ये यहाँ था गुण्य जब हम टोटल की थी सभी द्रव्यों की टोटल की थी तभी ये प्रमाण है, यहाँ पर भी ये प्रमाण है। देखो अभी नीचे का एकदम कॉलम लिखो यही लिखा ना पूरा, तो पल्ले के दोबारा संख्या का मान जो है वो कैंसिल हो गया अपवर्तन हो गया उसका, और जो गुण राशि है वो इतनी रहेगी यहाँ वो पल्ले के असंख्या पे वहाँ उसके बदले यहाँ एक लिख दिया और बाकी सब गुण्य पूरा ही गुण्य वैसा का वैसा ये ऋण राशि में आ गया। समझ में आए कहीं क्या किया? अब ऊपर का कॉलम
उसमें नीचे का सर्व द्रव्य, उसमें क्या डिफरेंस है? बाकी तो वैसा ही है, पर देखो तीन बार असंख्या से भरा तो वो नीचे का द्रव्य है, ये नीचे का द्रव्य है, उसमें भी हम ये अलग अलग निकालेंगे तो ये पूरा पुण्य यानी वो उसके साथ ले गया वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब तीन बार ही थी और कैंसिल कर, और यहाँ पर पुण्य आ जाएगा, ये इतना पुण्य यहाँ पर आ जाएगा। यही बात यहाँ देख 948 पृष्ठ पर ऊपर के टेबल में नीचे का सर्वद्रव्य लिखा है, उसको हमने स्प्लिट करके उसके धनराशि ऋणराशि अलग किया उसको, तो उसमें वो कैंसर हो जाता है पल्ले का संख्या प्रभाव जो है वो अपवर्तन हो जाता है, और उसमें से जो ऋणराशि अलग निकाली थी वो नीचे लिख दी है। एक ख्याल है ना सुशीला जी, क्या किया यहाँ पर? एक एक ये जो संख्या थी वहाँ वो वन माइनस का साइन था, उसको निकाल कर हमने उसको सॉल्व करके दो फिगर्स बनाए, यानी यहाँ गुण्य मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस एक गुण, तो जो गुण्य का जो गुणक होगा उसके ऊपर वन माइनस की साइन चलेगी। अब उसको सॉल्व करने के लिए ये फिर हमने उसको सॉल्व करके अलग अलग, यही बात नीचे के टेबल में लिखी, पहले ऊपर का सर्वद्रव्य है उसके दो फिगर बनाए धनराशि और ऋणराशि, ये ऊपर के हुए, बीच वाला जो कॉलम है उसमें ऊपर का जो है नीचे का सर्वद्रव्य लिखा था वही जो संख्या है उसी को स्प्लिट करके धनराशि और ऋणराशि लिखी। ये ऋण का सर्वद्रव्य अलग बात है और ये वाला ऋण अलग है, फिर आगे ऋण का सर्वद्रव्य जो लिखा है उसमें भी वो एक घाटी की साइन है कम की, उसको भी सॉल्व करके अलग अलग लिख दिया, तो उसके भी ये ऐसे दो फिगर्स। यहाँ तक कर नहीं बात, ऊपर जो टेबल था उसी को स्प्लिट करके दो में यहाँ लिखा है दो में, और जो अपवर्तन होता है उसको अपवर्तन करते। अब कहते हैं धनराशि में जो अभी हमने अपवर्तन किया ना, धनराशि में पल्ले को दो बार असंख्यात का भाग है, और नीचे वाली राशि में पल्ले को तीन बार असंख्यात का भाग है, उनका अपवर्तन किया, अपनी अपनी राशि में उसका अपवर्तन किया। ये अपवर्तन करके मैंने यहाँ ये काट करके दिखाया है क्या किया। अब यही टेबल फिर दोबारा जो अपवर्तन करने के बाद जो बच गया है संख्या बची है उसको यहाँ आगे लिख दिया 949 पृष्ठ पर। देखो वहाँ की धनराशि देख लो, हमने वो अपवर्तन किया था, बाकी जो बचा है उसको वैसा का वैसा यहाँ, और ऋण राशि उसके नीचे जो थी गुण्य रूप से वो भी वैसी। नीचे के सर्वद्रव्य जो हमने धनराशि ऋणराशि रूप लिखे थे उसको भी अपवर्तन करने के बाद इस तरह से बच गया वो भी यहाँ, और ऋण के भी जो धनराशि ऋणराशि की थी उसके भी अपवर्तन करने के बाद जो बचा वो भी ऊपर और नीचे लिखे। यहाँ तक समझ में आएगा सल्ला बेन? अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ ऊपर और नीचे की धनराशि जो अब समान है, देखो ऊपर की धनराशि और नीचे की धनराशि उनकी ऋण राशि अलग अलग है, उनकी जो टोटल है वो पूरा ऋण अलग, परंतु इसमें जो हम वन माइनस की जो साइन करके जो आगे लिखा था तो उसमें इसकी धनराशि ऊपर के सर्वद्रव्य की धनराशि और नीचे के सर्वद्रव्य की धनराशि, देखो ये इसमें कुछ अंतर दिख रहा है क्या? वैसे ही वैसे, क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद बाकी बचा हुआ तो सेम है दोनों के। पहले हमने दो बार असंख्यात लिखा था, अब यह तीन बार असंख्यात लिखा, दोनों कैंसिल होने के बाद जो बाकी फिगर बचती है वो इतनी है, ये इतनी है, वही यहाँ लिख दी है, वो तो समान है। तो यहाँ ऊपर और नीचे की धनराशि जो अब समान है मिलाने पर ऐसा होता है, मिलाने पर इन्हें दो गुणा हो गया ना, तो वो नीचे छेद में ये जो दो था ये कैंसिल हुआ, अपवर्तन हुआ, तो ये संख्या ऐसी रही। अब ऊपर की भी ऐसी और नीचे की भी ऐसी,
तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, इसको दो गुना, दो गुना करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो नीचे की और ऊपर की मिलकर धनराशि ऐसी है। समझ में आती है? तो दो का अपवर्तन फिर पढ़ती हूँ। यहाँ ऊपर और नीचे के धनराशि मिलाने पर अब समान है इसलिए उसको डायरेक्ट दो गुना कर दिया, ऐसा होता है तो ये दो दो कैंसिल हो गए। दो का अपवर्तन करने पर ऐसा, यानी वो तो जो त्रस पर्याप्त राशि है उसको गुणकार में तीन गुणानी प्लस वाई और भागार में तीन गुणानी में कुछ कम, यहाँ गुणकार में गुणहानी तीन में एक अधिक है इसलिए इसकी दो राशियां बनाएंगे, इसको भी स्प्लिट करके लिए। समझ में यहाँ तक आए हैं, अब इसको अलग अलग लिखना है तो क्या करेंगे हम, जिसके ऊपर साइन है उसको छोड़कर ये हमारा हुआ मूल, पहले इसको ऐसा ही लिख देंगे और प्लस में केवल एक गुण लेंगे। यानी इसको कैसे लिखेंगे, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय पांच, यहाँ गुणहानि तीन कुछ कम उससे ये दिया, उसके आगे गुणहानि तीन लिखना और ये ऊपर जो वन प्लस की साइन है उसके लिए गुण्य को लिखना एक बार। यहाँ तो प्लस माइनस है, अभी प्लस है, प्लस वन है ना, माइनस वन था इसलिए हमने उसको माइनस, उसको धन राशि, ये दोनों ही धन राशि है तो एक पूरा एक गुण्य यहाँ लिख देंगे। This plus this.
नीचे की जो पूरी ऋण राशि थी उसको भी हमने धन और ऋण ऐसे दो भाग किए थे, तो ऋण राशि का जो धन पार्ट है उसमें इस राशि, तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। कल मैं आती हूँ, फिर देखो दूसरी राशि के समान ऋण राशि की धन राशि है। दूसरी राशि ने यहाँ जो पुस्तक में ये जो टेबल के नीचे चौथी लाइन में जो है सीक्वेंस, ये जो दो राशियाँ लिखाई है, तो ये जो सेकंड राशि है और ऊपर के टेबल में ऋण की जो धन राशि है वो समान है, तो इसके साथ वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसको घटाने पर धन राशि ऐसी, यानी ये जो बात है इतनी रहेगी, क्योंकि आगे वाली ये तो कैंसिल होगी, ऋण राशि के धन के साथ ये कैंसिल हो गया, क्योंकि वो दोनों फिगर सेम है, ये प्लस है वो माइनस है, यहाँ तक आ। अब ऋण की ऋण राशि धन होती है, माइनस ये तो है ना, माइनस को माइनस है ना, धन प्लस हो जाएगा। अन्य भागहार की समानता देखकर दो से समच्छेद करने पर ऐसा, इसके साथ अन्य भागहार ये जो अभी देखना आपको नीचे की जो हमने टोटल राशि देखी थी उसमें से जो ऋण राशि बीच के कॉलम का नीचे का बीच वाला बीच के हाँ बीच वाली जो कॉलम है ऋण राशि के पंक्ति में जो बीच वाली राशि है उसके छेद में दो है, जो ऋण के ऋण में नहीं है तो क्या करेंगे, दो से समच्छेद करेंगे, तो दो से गुना करेंगे ऊपर और नीचे वो दो से गुना, तो कहते हैं समच्छेद करने पर ऐसा, तो क्या आगे भी दो लिखा और ऊपर भी दो लिखा, देखो फिर हम देखते हैं ये हमारी ये धनराशि ऐसी बची है उसको तो अलग ही, मेरे ऋण का धन तो हमने कैंसिल किया उसके साथ और बचा हुआ ही था। अब हम नीचे का द्रव्य का जो ऋण है और ऋण राशि का जो ऋण है उसको देखते हैं। नौ सौ उनचास पृष्ठ पर जो बीच वाला कॉलम है देखो उसमें कैसा है, ये जो अपनी राशि राशि गुणहानि तीन माइनस ये गुणहानि वाली दिख रहा है क्या, और आगे दो, उसके आगे ये नीचे की है तो तीन बार पर लिखे संख्या पे बहुत से, और यहाँ ऊपर क्या है गुणहानि तीन प्लस पाँच, इसकी बात कर रहे हैं ऊपर है 949 पेज पर बीच वाला कॉलम है नीचे की जहाँ लिखा है उसमें से जो ऋण राशि है ये लिखी है। अब ऋण की ऋण राशि अब मैं नीचे लिख रही हूँ, ये ऋण की ऋण राशि कैसी है, ऐसे ही है सर, ये दो उसमें नहीं है परंतु उसके ऊपर तो एक ही था केवल, और यहाँ पल्ले को तीन बार संख्या से बात, ये नीचे के ऋण और ये ऋण का ऋण, यानी ये माइनस साइन वाला है और ऋण का ऋण प्लस होने वाला है, ये ऋण का ऋण है इसलिए इसको प्लस में रखा और ये इसमें से माइनस। अब इसका और इसका छेद समान नहीं है तो समान छेद करने के लिए क्या करेंगे, इसको दो से गुणा करेंगे, ये बीच में लिखा ना बाजू में लिखे अर्थ तो वही है, और यहाँ भी दो से गुणा करेंगे, ये एक की तो कुछ वैल्यू नहीं ना ये मिले तो हम डायरेक्ट दो लिखेंगे, तो अभी इसका और इसका छेद समान हो, डिफरेंस कहाँ है इतना समान, ये दोनों में कॉमन है, ये प्लस है ये माइनस है,
करेंगे अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो पढ़ेंगे फिर उसको समझोगे अब ऋण की ऋण राशि धन होती है अन्य भागार की समानता देखकर दो से समच्छेद करने पर ऐसा ये हमने दो से समच्छेद किया इसको यहाँ ये दो से समच्छेद किया नीचे भी और यहाँ पर भी गुना किया वैल्यू उतनी रही परंतु इसके समान छेद हुआ तो हम डायरेक्ट इसमें इसका जोड़ या जो कुछ करना है बात करना है वो कर सकते हैं तो दो से समच्छेद करने पर ऐसा देखो ये दो से नीचे और ऊपर भाजा भागार दोनों जगह उसको गुणा गुणा उसको नीचे की ऋण राशि में से घटाना घटाना क्यों क्योंकि प्लस है ये माइनस है परंतु ये संख्या बड़ी और ये छोटी इसलिए इसको माइनस करने के बाद थोड़ा ऋण बचेगा और ये प्लस है ये माइनस है आप कहेंगे कि इसको क्यों माइनस करें इसको प्लस करो ना परंतु ऋण राशि बड़ी है ये छोटी है क्यों क्योंकि इसमें तो ये इतना ही है और इसके आगे तो ये है तो इसमें से ये बात करेंगे तो थोड़ा ऋण और बचेगा तो अन्य समानता देखकर गुणहानि तीन के ऊपर एक अधिक था उसमें से दो घटा अभी क्या कहना चाहते अब तक हमने जो फॉर्मूला अभी तक जो यूज किया है वही बात है ये कॉमन है और यहाँ ये दो बार ये इसमें से इसको घटाना है तो ये कॉमन हमने अलग रखा है ये दो बार है ना एक ही होता तो इसमें से एक माइनस कर दो ये दो बार है तो क्या करना एक गुणहानि प्लस एक रूट थ्री प्लस तीन प्लस वन है नहीं रूट थ्री प्लस वन है अब ये माइनस टू करना ये प्लस है पर ऋण राशि बड़ी है ना हमारे पास माइनस 20 है और प्लस 15 है तो क्या करेंगे 20 में से 15 बात करेंगे और माइनस फाइव रह जाएगा ऐसा ही होता है ये माइनस राशि बड़ी है प्लस राशि छोटी है तो हम इसको प्लस को बात करेंगे तो माइनस जो बचेगा तो उसको माइनस करेंगे तभी गुणहानि प्लस वन है गुणहानि तीन प्लस वन और उसमें से दो कम कर माइनस टू माइनस टू तो प्लस वन और माइनस टू क्या बचेगा माइनस वन तो गुणहानि गुणहानि तीन माइनस ये पूरी संख्या भी मिलकर अभी ऋण कितना रह गया गुणहानि तीन माइनस वन क्या हुआ अभी हमारे पूरा नीचे का ऋण द्रव्य मिट गया क्योंकि पहले हमने देखो ऊपर देखो 949 पेज पर ऊपर का टेबल देखना एक है ऊपर की धनराशि एक है नीचे की धनराशि दोनों समान है तो दोनों समान है तो दो से गुणा किया और दो दो कैंसिल हो गया ऊपर की बात कर रहे हैं नीचे की बात कर रहे हैं ऊपर की टेबल की बात कर रहे हैं फिर दोबारा मैं पूरा ही समझा देता हूँ तो ये दोनों धनराशियों की टोटल की हमने तो दोनों धनराशियों की टोटल की तो वो दो का दो गुणा करने पर दो का अपवर्तन करने पर ये ऐसा बच गया है जो सेकंड लाइन में लास्ट में लिखा है यह है अभी गुणानी तीन के ऊपर वन प्लस की साइन उसको स्प्लिट करके लिखने के लिए उसके दो राशियाँ बनाई और वो यहाँ चौथी लाइन में लिखी है ये गुणहानि तीन के ऊपर वन प्लस की साइन थी तो एक में गुणहानि तीन रखा और दूसरे में अकेली गुण्य राशि लिखी उसका अर्थ वही हुआ अब ये जो दो राशियाँ बनाई ना तो इसमें से जो सेकंड राशि है तो ऊपर देखो अभी टेबल में राइट साइड के ऊपर का कॉर्नर वो और ये समान है तो उसमें से वो कैंसिल हो जाए वो ऋण में से वो धन राशि है वो इसके साथ कैंसिल हो और बचा क्या तो ऊपर और नीचे के दोनों की मिलाई हुई राशि ऐसी बची जो हमने यहाँ लिख के रखी है ये अभी सेपरेट रख देगा अब क्या करेंगे अब हम
नीचे की में से ऋण राशि लेने और ऋण की भी ऋण ऋण का ऋण तो धन होता है प्लस हो और ये ऋण बड़ा है और उसमें से धन छोटा था तो उसमें हमने माइनस करने के बाद इतना बचा तो कैसा बचा वो अभी हमने तो अभी हमारे पास क्या ऋण का धन भी कैंसिल हुआ ऋण का ऋण भी कैंसिल हुआ अब ऊपर के 949 पेज पर जो है दोनों के धनराशियों की टोटल इतनी बची है और ऋण के ऋण में से वो सब उस कैंसिल करने के बाद इतना बचा अभी पहले ऊपर की ऋण राशि भी बाकी है उसके साथ इसको मिलाना पड़ेगा हर लेते यहाँ तक आए हम अब कहाँ तक आए उसकी बात करें अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे देखो हम एकदम नीचे से दूसरी लाइन पढ़ते हैं अन्य की समानता देखकर गुणहानि तीन के ऊपर एक अधिक था जो हमने यहाँ बनाया है उसमें से दो घटाने पर एक कम गुणहानि तीन हुआ ये बात ख्याल में है ना और नीचे की अवशेष ऋण राशि ऐसी रही ये पूरी ही नीचे की अवशेष ऋण अवशेष का पहले जो ऋण की ऋण थी उसमें ऋण का द्रव्य का ऋण घटाया ऋण का ऋण अधिक करके उसको यहाँ से घटाया तो इतना माइनस में रहेगा ये ऋण राशि बड़ी थी और ऋण का ऋण जो धन हुआ था वो छोटा था वो इसमें से बाहर किया तो ये अवशेष ऋण राशि नीचे की अवशेष ऋण राशि ऊपर की ऋण राशि अभी बाकी है और ये ऊपर की धनराशि ये ऊपर की धनराशि ये नीचे के अवशेष ऋण राशि अब हमें ऊपर की भी ऋण राशि भी बाकी है अब उसका हिसाब लगाए देखो अभी आगे तो अवशेष ऐसी कि जो अवशेष ऐसी है ये हमने याद यह राशि ऊपर की ऋण राशि के असंख्यात भाग जानकर देखो ऊपर की ऋण राशि क्या थी ऊपर की ऋण राशि में देखो यहाँ पर 949 पृष्ठ पर वहाँ गुणाने के लिए 1+ था और यहाँ ऊपर लेके असंख्या का भाग 2 बार और यहाँ असंख्या का भाग 3 बार उसका अर्थ वो असंख्या के भाग प्रमाण देखो कैसे यहाँ पर देखो यह राशि ये जो राशि हमने देखी है यह राशि ऊपर की ऋण राशि के असंख्यात भाग जानकर ये ऊपर की ऋण राशि यहाँ दिख रही है जो हमने 949 पेज पर पहले कॉलम में जो ऊपर लिखा है ऊपर की और उसके नीचे जो ऋण राशि लिखी है वही यहाँ ली बराबर है तो ऊपर की ऋण राशि के असंख्यात भाग जानकर इसको मिलाने के लिए ऊपर की ऋण राशि के ऊपर साधिक की ऐसी संदृष्टि कर ये जो ऋण राशि है जो ऊपर के ऋण राशि के असंख्यात भाग है तो ये टोटल के लिए क्या किया साधिक जो ऊपर की ऋण राशि है ऊपर की ऋण राशि कैसी थी ऊपर की ऋण राशि यहाँ लिखी दो और पल्ले को 2 बार असंख्या से भाग दिया था और यहाँ गुणहानि 3+1 था ये ऊपर की ऋण राशि ये नीचे की ऋण राशि ये तो हमने वो सॉल्व करके कैसे निकली वो लिखा तो ये सब मिलकर इसके ऊपर कुछ साधिक की साइन कर ये ऋण मिलाया हुआ मिला ये टोटल ऋण हुआ दोनों का मिलाया हुआ इसको साधिक करने से वो टोटल हो गया हलमेती बात यहाँ 3 बार असंख्या से भाजित कर लिया था और यहाँ 2 बार असंख्या से भाजित कर लिया था असंख्या हाँ असंख्यात विभाग जानकर वो मिलाने के लिए ऊपर की
ऋण राशि के ऊपर साधक की ऐसी संतुष्टि करने पर ऐसा हुआ, ये कैसा हुआ वो लिख लिया, ये ऐसा हुआ। इसको कटाने के लिए तीन गुना गुणानी के आगे किंचित कम की ऐसी संतुष्टि करने पर ऐसा, ये क्यों करना है? इसको घटाने के लिए नहीं क्या? ये हमने ये बाजू रखा था याद है क्या? हाँ, ठीक है ना। ये अब इसमें तो नीचे बाहर में तो कितनी सारी बात, यह संख्या तो आ गई इसका, ये धनराशि थी क्योंकि हमने नीचे की ऊपर की मिलाई, फिर उसमें से जो बात करते रहे कि उसको इतना रहेगा और ये अभी टोटल ऋण रहेगी, ये धन में से इतना बचा ये ऋण है, तो ऋण छोटा है तो घटाने के लिए क्या कहेंगे? यह माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सर्वत्र में तो निकालना है, पहले बता देते हैं हम क्योंकि हमने शुरुआत ही की थी, टोटल द्रव्य को ही हमने ऊपर और नीचे डिवाइड किया था, क्योंकि योग की संख्या तो प्लस योग की संख्या तो उतनी रही है, तो यव मध्य के ऊपर कितने जीव और नीचे कितने जीव हमने पहले अलग अलग करके बताया और फिर उसका टोटल निकाला, तो उतना ही आना है। तो कहते अपवर्तन करने पर, देखो पुस्तक में तो अपवर्तन करने पर ऐसा ऐसा नहीं, जगत प्रति डिवाइडेड बाय पत्रांक में डिवाइडेड बाय 5 जो संख्या बता सके, पर्याप्त त्रस राशि मात्र सर्व द्रव्य का प्रमाण आता है। देखो इसी का विशेषार्थ केवल बताया है यहाँ, धनराशि जो हमने यहाँ देखी थी पहले वाली जो थी, इसमें से ये नीचे केवल वो आगे की माइनस साइन नहीं थी, केवल गुणानी तीन लिखा था और ऋण राशि जो ऊपर लिखी थी शादी है ना, ये सब लिखा है, ये ऋण राशि रह गई थी, पूरा ऋण में से जो कुछ है ऋण का ऋण वो सब घटाने पर इतना रह गया, तो ये धनराशि में से ऋण राशि घटाई, तो घटाने पर क्या किया हमने, इस सब के लिए केवल थोड़ा माइनस कर दिया, माइनस की साइन डाल दी, तभी नीचे वो दोनों ही समान हो गए, तो उसका अपवर्तन हो गया और बाकी जो पर्याप्त रस राशि की जो संख्या है वो सर्वद्रव्य रहे। इस प्रकार जीव एव मध्य रचना कर, यहाँ एव मध्य रूप जो मध्य योग स्थान हमने देखा था पहले, देखा था ना आपने प्रश्न पूछा था, बीन्द्रिय के पर्याप्त बीन्द्रिय के जघन्य योग स्थान से लेकर संगी पंचमी के उत्कृष्ट योग स्थान तक जो अलग अलग योग स्थान है, उसमें से जो यव मध्य रूप मध्य योग स्थान, कोई भी पर्टिकुलर एक योग स्थान है जहाँ जीवों की संख्या मैक्सिमम है, उसके ऊपर और नीचे एक एक निषेक में जितना जितना प्रमाण कहा उतने उतने जीव एक एक योग स्थान के धारक लोक में जाता। यहाँ निषेक किसको कहा? तो विशिष्ट जो हम देखते हैं नीचे से ऊपर ऐसे एक एक दो दो ऐसा अनेक योग स्थान, ये जघन्य योग स्थान एक 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 करते करते उत्कृष्ट योग स्थान, कोई बीच वाला एक योग स्थान ऐसा है कि जिसमें जीवों की संख्या मैक्सिमम है, उस योग स्थान में जितनी जीवों की संख्या उसको कहाँ मध्य यौमध्य, उसको कहाँ निषेक, उसका ऊपर का इमीडिएट नेक्स्ट जो योग स्थान है उसमें जीवों की संख्या कितनी है तो कुछ कम, उसको दूसरा निषेक कहें, तीसरे में कुछ कम उसको भी तीसरा निषेक कहें, ऐसे गुणहानि तक जो एक 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 निषेक है, तो गुणहानि प्रमाण निषेक होने के बाद जीवों की संख्या आधी हो गई, उसमें इतने योग स्थान चले गए, यानी विशिष्ट योग स्थान में जो जीवों की संख्या है उसको हमने यहाँ निषेक, यानी समान योग वाले जीवों की संख्या उसको यहाँ हम निषेक, तो ऊपर के भी निषेक ऐसे कम होते चले जाए जीवों की संख्या, नीचे भी कम, बीच में योग स्थान जो मैक्सिमम संख्या वाला योग स्थान जीवों की संख्या बता, पहले हमने काल योग मध्य लिखा, तो बीच वाला ऐसा कोई योग स्थान था जिसमें परिणाम योग लगातार 8 समय तक रह सकता था,
काल की अपेक्षा बताई और यहाँ जीवों की संख्या की अपेक्षा बताई। पुनश्च जीव यव रचना के निषेकों की रचना ऐसी होती है, ये ऊपर की गुणहानी और नीचे की गुणहानियाँ बताई है। यहाँ पर हमने अंक संदृष्टि की अपेक्षा देखा है, बीच में हमने कोई विशिष्ट संख्या ली थी, ऊपर कम होती चली जाती है, नीचे भी कम होती चली जाती है। देख लो ये भूल गए ना, बहुत दूर होंगे बीच में शिविर के कारण गैप पड़ गया। वैसे तो हमने ऊपर की गुणहानियाँ भी निकाली थी संदृष्टि के इसमें। जीव यौ मध्य रचना जहाँ से शुरू हुई हमने शायद उसको संदृष्टि में अंक संदृष्टि में वहां देखा था अपने पुस्तक में। चलो अब यहाँ देख लेते क्या अब ऊपर की गुणहानियां बता रहे हैं। तो हम कैसा देखेंगे, पहली गुणहानि जो यौ मध्य का निषेक है, फिर दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, चौथा निषेक। तो ऊपर की जो गुणहानियाँ, ये पहली गुणहानि कब होगी, यौ मध्य को पहला निषेक बनाते हुए पहली गुणहानि, उसके ऊपर दूसरी गुणहानि, उसके ऊपर तीसरी गुणहानि, उसके ऊपर चौथी गुणहानि। नीचे की गुणहानि कैसे होगी, यौ मध्य के नीचे का जो निषेक है वो उसका पहला निषेक, उसमें एक से ऑलरेडी कम होगा। 952 पे नहीं, 951 में अभी हम देखेंगे, 952 वही बात आगे लिखी, यहाँ ज़्यादा क्लियर है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यव मध्य जो है वो ऊपर के पहले गुणहानि का प्रथम निषेक। अब यहाँ जो ऊपर की गुणहानि है, ऐसा जो कॉलम है, ये जो टेबल के ऊपर लिखा है, उसमें पहला जो वर्टिकल कॉलम है उसमें लिखा है प्रथम गुणहानि, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिर मध्य अनेक गुणहानियाँ और एकदम लास्ट में अंत गुणहानि। यहाँ तक ख्याल नहीं बात। अब इसको पहले गुणहानि जो है, पहले गुणहानि का पहला निषेक नीचे लिखा है, जिसको हमने यौ मध्य का निषेक कहा। फिर पढ़ेंगे वो कैसा है। तो जो पर्याप्त राशि लिखी, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय चार डिवाइडेड बाय पाँच, चार का अर्थ क्या है, प्रतरा। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, ऊपर की गुणहानियों का प्रमाण, पहले गुणहानि, दूसरी गुणहानि, तीसरी गुणहानि, इन सबके टोटल अभी हमने देखे। और फिर दोबारा इसको देख रहे हैं, देखो यौ मध्य का जो निषेक है यह है पहले गुणहानि का प्रथम निषेक, वहाँ की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा ये ऊपर की भी गुणहानि और नीचे की भी गुणहानि है, एक ही बाजू टेपरिंग होता तो हम डेढ़ गुणहानि से भाग देते। अब यहाँ जो जगत प्रतर प्रमाण टोटल जीव राशि है उसके डिवाइडेड बाय त्रिकोण डिवाइडेड बाय पाँच, ये टोटल पर्याप्त जीव राशि है, त्रस जीव राशि, त्रस पर्याप्त जीव राशि, तो तीन गुणहानि, कुछ कम तीन गुणहानि से भाग दो। तो क्या मिला, पहला निषेक मिला। परंतु अभी हम चय के प्रमाण से करने के लिए तो क्या करेंगे, इसको दो गुणहानि से भाग देंगे तो हमें चय मिला, और चय को दो गुणहानि से गुणा करेंगे तो प्रथम निषेक मिलता है, ये हमारा पहला निषेक। अब वहाँ देख लो जरा क्या लिखा है, ऐसा ही क्या 951 पृष्ठ पर, क्योंकि छोटी छोटी संख्या लिखी ना, ये जो बारीक अक्षर है, प्रथम गुणहानि लिखा है उसका ये प्रथम निषेक। और इसमें द्वितीय निषेक कैसा होगा, माइनस एक चाहिए, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये दूसरा निषेक, फिर तीसरा निषेक, चौथा निषेक। गुणहानि प्रमाण निषेक बीच जाने पर एक माइनस गुणहानि प्रमाण उसमें से चाहिए, तो गुणहानि दो में से क्या माइनस किया, गुणहानि में, क्योंकि गुणहानि का अंतिम निषेक है, आठ की गुणहानि होगी तो सात बार ही चय घटा है, तो गुणहानि माइनस वन इतना घटा है, तो
हम इसको सॉल्व करेंगे और दो गुणहानि में से एक गुणहानि चली गई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दो गुणहानि में से एक गुणहानि गई तो गुणहानि गई और प्लस वन गई तो ये क्या है ये पहले गुणहानि का पहला निषेध और अंतिम निषेध निकालने के लिए क्या करना बाकी तो सब ऐसा ही रखा मल्टीप्लिकेशन में गुणक में हमने दो गुणहानि लिखा था तो यहाँ बाकी सब वैसा ही लिखेंगे ये चय का प्रमाण है चय मल्टीप्लाइड बाय है गुणहानि प्लस वन यह है अंतिम निषेध पहला निषेध किसी भी गुणहानि का निकालना है तो वहां का चय मल्टीप्लाइड बाय दो गुणहानि और किसी भी गुणहानि का अंतिम निषेध निकालना है तो चय मल्टीप्लाइड बाय गुणहानि प्लस वन ये हो गया ना पहली गुणहानि हुई है देखो यहाँ नहीं देखो प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेध ये जो यहाँ लिखा बाकी नीचे का सब यहाँ गुणहानि दो से गुणा मध्य निषेध के लिए बिंदी बिंदी अंतिम निषेध के लिए आप क्या बोले चय इंटू गुणहानि प्लस वन ये गुणहानि प्लस चय लिखा उस गुणहानि का चय हर एक जय चय अलग अलग होगा दूसरे गुणहानि में क्या होगा विशेष चय आधा होगा पहला निषेध के आधा होगा दूसरे गुणहानि का पहला निषेध कहना है तो इसके आगे एक दो बढ़ा और दूसरे गुणहानि का अंतिम निषेध हाँ दो बढ़ा दो आधार में उसका आधा होगा तीसरे गुणहानि में उसको और आधा करो नहीं यहाँ और एक दो बढ़ा दो तो ऐसे आधा 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 कितने बार दो बढ़ा देंगे तो ये तो पहले गुणहानि दूसरी गुणहानि में एक बार दो दिया दूसरी गुणा दूसरी में एक बार किया तीसरी में दो बार किया दो बार दो गुणहानि दो को रखा और उसके आगे दो कितनी बार लिखना है दूसरी गुणहानि के लिए एक बार तीसरी गुणहानि के लिए दो बार चौथी गुणहानि के लिए तीन बार अंतिम गुणहानि के लिए कितने बार नाना गुणहानि माइनस एक बार ऊपर के नाना गुणहानि छह होंगे तो पांच बार हम आधा आधा करें तो नाना गुणहानि अभी हम नाना होने पांच बार दो ऐसा लिखेंगे बाधार में उसके बदले क्या करेंगे अन्य अन्य बेसरा से आधा करेंगे क्योंकि गुणहानि में से एक कम करके इतनी बार दो गुणा किया ना तभी यहाँ क्या लिखते थे ये द्वितीय गुणहानि समझ में आई द्वितीय गुणहानि में भागार में दो बढ़ा दिया हमने क्योंकि वहाँ के निषेक भी आधे आधे हैं पहले निषेक से वहाँ का पहला निषेक आधा पहली गुणहानि के अंत निषेक से वहाँ का अंत निषेक आधा देखो यहाँ पर उसमें तो केवल वो आधे का ही फर्क है तीसरी गुणहानि में क्या किया पहले निषेक में वो दो गुणहानि के आगे दो बार दो दो लिखा है भागहार में दो दो लिखा है और ऊपर भी वैसा ही लिखा है चतुर्थ गुणहानि में और एक दो बढ़ा दिया वहाँ पर यहाँ क्या हुआ बराबर नहीं बराबर बराबर अब और आगे नाना गुणहानि हमें उसके लिए बिंदी बिंदी अब लास्ट गुणहानि एकदम निकाल दिया तो अंतिम गुणहानि यहाँ की अन्य अन्य व्यस्त राशि कितनी है पल्ले को दो बार असंख्या से भाग दो तो आधे अन्य अन्य व्यस्त राशि का भाग दिया इसलिए यहाँ देखो भागार में क्या लिया गुणहानि दो के आगे दो संख्या अनेक बार लिखेंगे उसको भी छोड़ दिया डायरेक्ट उसका उत्तर लिया क्योंकि नाना गुणहानि का जो प्रमाण है उसमें से एक कम कर दो और उतनी बार दो लिख दो वहाँ पर तो गुणकार करके डायरेक्ट हमें उत्तर ही मिलता पूरी नाना गुणहानि प्रमाण लेते दो संख्या तो उसके अन्य अन्य व्यस्त राशि होती उसमें से एक कम लिया तो एक दो कम कर दिया यानी आधा हो गया तो यहाँ अन्य अन्य व्यस्त राशि जो है पल्ले को दो बार संख्या से डाल दो उसका आधा ही यहाँ पे और ये उसका आधा तो देखो अंतिम गुणहानि की पहली पहला निश्चय देख लो फिगर
बाकी वैसा ही रखा यह अन्योन्य अभ्यस्त राशि का आधार है। यहाँ पर भी बाकी सब वैसा ही रखेंगे और यहाँ दो के बदले यहाँ पर अन्योन्य अभ्यस्त राशि का आधार तो वहाँ के भी रहा। इस समय में है ना क्या हम कह रहे हैं यहाँ ऊपर ऊपर की गुणहानियों के अंत निषेक और प्रथम निषेक लिखे यानी ऊपर की गुणहानि में पहली फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी अंत। अब इसके आगे नीचे की गुणहानियों के अंत निषेक और प्रथम निषेक लिखते हैं उनका प्रमाण ऊपर के निषेकों में से एक एक चय घटाने पर आता है। अब ये प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक था ऊपर का ये वो मध्य वाला ये वो मध्य वाला। अब नीचे के गुणहानि के लिए इसको कॉमन नहीं रखना नीचे के गुणहानि का पहला निषेक इसमें से एक चय कम ऑलरेडी कम चुका गुणहानि का प्रमाण तो उतना ही मान लेते ऊपर हम चार लेंगे तो नीचे भी चार लेना है परंतु एक कम करके चार इसके अपने अपने चार ये इसका पहला दूसरा तीसरा और चौथा नंबर एक चय घटाकर इसका पहला है फिर इसका दूसरा है इसका तीसरा है और इसका चौथा है। इसलिए हमने वो ऋण राशि वगैरह वगैरह निकाली थी गणित करने के लिए वहाँ तो सर्वद्रव्य निकाला। अभी यहाँ पहला निषेक कैसा होगा ये ऊपर का पहला निषेक नीचे का पहला निषेक कैसा होगा ये भी साइन एक चय घटाने के लिए वन माइनस की साइन करेगा जो वहाँ का दूसरा निषेक था वो यहाँ का नीचे का पहला निषेक इसलिए उसमें से एक चय घटा। अब इसका अंतिम निषेक कैसा होगा वहाँ वन प्लस गुणहानि था उसमें से एक घटा देंगे तो वन होगा यानी केवल गुणहानि ये नीचे की गुणहानि का अंतिम निषेक देखो हम देखेंगे अभी पुस्तक नीचे की गुणहानियाँ लिखी है ना प्रथम गुणहानि लिखी है यहाँ तो दो ही गुणहानियाँ लिखकर अंत डायरेक्ट अंतिम लिखी है तो प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक देख लो ये गुणहानि के ऊपर वन माइनस के साइन इसको ऊपर की प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक के साथ कंपेयर करो। नितिन भाई क्या है उसमें वहाँ दो गुणहानि से गुणा किया था यहाँ दो गुणहानि माइनस एक से गुणा किया अंतिम निषेक के लिए वहाँ गुणहानि प्लस वन था और यहाँ मात्र गुणहानि हर एक में ऐसा लेना। अभी द्वितीय गुणहानि में क्या करेंगे इसको दो से गुणा बाकी वैसा ही फॉर्मूला ऊपर द्वितीय गुणहानि के अंत निषेक में भी प्रथम गुणहानि के अंत निषेक से आधा हुआ। अब एकदम लास्ट वाली निकाली गुणहानि तो जैसे वहाँ पर हमें यहाँ नीचे दो संख्या चाहिए उसमें ऊपर लिखा है नीचे लिखा नहीं नहीं ऊपर लिखा है नीचे लिखा वो तीन बार असंख्यात है ना उसके आगे दो संख्या चाहिए असंख्यात के लाइन में दो संख्या वहाँ लिखनी चाहिए जो रह गई है ना अन्य अन्य वैसे राशि का आधार समझ में आया कहाँ लिखना है नीचे की जो प्रथम निषेक लिखा है अंत गुणहानि का नीचे के गुणहानियों में अंत निषेक जो प्रथम अंत गुणहानि का जो प्रथम निषेक है वहाँ पल्ले को तीन बार असंख्या से भाग दिया था इसके आगे पल्ले को तीन बार असंख्या से भाग देकर उसके आगे यहाँ दो लिखना चाहिए वो रही है अंतिम निषेक में तो लिख दिया पहले में रह गया। अब यहीं रुकेंगे हम उसके आगे की बात कल देखेंगे। अभी जो हमने देखा है उतनी समझ में ना कहाँ क्या लिखते हैं अब क्यों क्यों लिखते जावा।